वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकेंड वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 9, रॉक्स एंड मिनरल्स. ओके, सेकेंड इन दिस पार्ट वी विल रीड कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में पढ़ेंगे. बिसाइड मेटल ओर्स एंड मिनरल्स, द अर्थ क्रस्ट आल्सो कंसिस्ट ऑफ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. मेटल, बिसाइड मेटल ओर्स, मेटल ओर्स एंड मिनरल्स के अलावा पृथ्वी की क्रस्ट में बहुत बड़ी क्वांटिटी में कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस पाए जाते हैं. कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर मेजर सोर्सेस ऑफ एनर्जी, और ये एनर्जी के बहुत बड़े सोर्स होते हैं. सबसे पहले कोल. Millions of years ago, much of the earth's surface was covered with dense and swampy forest. बहुत बहुत साल पहले जो हमारी पृथ्वी थी वो किससे कवर्ड थी? बहुत ही घने जंगलों से ढकी हुई थी. As trees and other plants died and fell, जैसे जैसे पेड़ और दूसरे पौधे गिरते गए और मरते गए, दे डिड नॉट डिके कम्प्लीटली, वो पूरी तरह से नष्ट नहीं हुए. एयरलेस मड एंड सर्टेन अदर कंडीशंस मेड इट डिफिकल्ट फॉर डिकेड बैक्टीरिया टू लिव. एयरलेस मड, जो मड थी वो एयरलेस थी, एंड और भी बहुत सी कंडीशंस थी जिसके कारण उनका जो बैक्टीरिया उन पर रहते थे उनके कारण वो डिकेड नहीं हो पाए. So the half rotten trees gradually sank into the mud. तो जो half rotten trees थे वो धीरे धीरे mud में डूबते गए. More and more dead vegetations and sediments are collected on top of them. तो उसके ऊपर क्या था? More and more, और भी ज़्यादा dead vegetations और sediments, टुकड़े जो थे, sediments जो थे, part थे, वो उसके ऊपर collect होते गए. Over the years, जब बहुत साल बीत गए, these sediments under high pressure and heat formed coal. जब बहुत ज़्यादा समय बीत गया, बहुत साल बीत गए, तो ये जो sediments से parts से high pressure और heat के कारण coal में बदल गए. ठीक है, coal, कोयले की formation हुई. Now uses of coal. Coal के क्या क्या use है? Coal is used in power station to generate electricity. कोयले का प्रयोग पावर स्टेशन पर किया जाता है, किस लिए? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए. टू मेक ड्रग्स, प्लास्टिक्स, कॉस्मेटिक्स एंड फर्टिलाइजर्स. एज अ फ्यूल फॉर कुकिंग, कोयले का प्रयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है खाना बनाने के लिए. इन ब्लास्ट फर्नेस इन स्टील इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री में ब्लास्ट फर्नेस जो होती है, बड़ी बड़ी चिमनियाँ जो होती हैं उनमें भी कोयल का प्रयोग किया जाता है. इन इंडिया कोल माइंस आर सिचुएटेड इन झारिया, झारखंड में, रानीगंज में, वेस्ट बंगाल में, सिंगरेनी, धनबाद एंड नैवेली, इन जगहों पर कोल माइंस हैं, कोयले की खाने हैं. पेट्रोलियम, पेट्रोलियम गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द लैटिन वर्ड पेट्रा एंड ओलियम. जो पेट्रोलियम शब्द है इसकी जो फॉर्मेशन हुई है वो लैटिन वर्ड पेट्रा एंड ओलियम से हुई है. पेट्रा का मीनिंग होता है रॉक एंड ओलियम का मीनिंग होता है ऑयल. ठीक है, इट इज नेम्ड सो एज इट इज द मिनरल ऑयल फाउंड इन रॉक्स. इसका ये नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये एक मिनरल ऑयल है जो कि रॉक्स में पाया जाता है. ठीक है, पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड अंडर द सीज. पेट्रोलियम कहाँ से मिलता है? समुद्र के नीचे से, नीचे बनता है. डाइड टाइनी प्लांट्स, एनिमल्स एंड बैक्टीरिया सैंक टू द बॉटम of the sea and get mixed with the sand and silt on the sea beds. Died, मरे हुए पौधे, जानवर और बैक्टीरिया जो थे वो समुद्र की तलहटी में, बॉटम में इकट्ठे होते गए, डूबते गए, और किसके साथ मिक्स हुए? सैंड और सिल्ट के साथ मिक्स हो गए सी बेड्स पे, समुद्र के जो बिल्कुल नीचे. Their bodies did not decay completely. उनकी बॉडी पूरी तरह से कम्प्लीटली डिकेड नहीं हुई थी, नष्ट नहीं हुई थी, बट वर क्रश्ड, लेकिन वेट के कारण, सेडिमेंट्स के वेट के कारण वो क्रश्ड हो गई थी. देयर रिमेन्स बिकम अ मिक्सचर ऑफ कार्बन,
कंपाउंड कॉल पेट्रोलियम, जो उनके रिमेन्स से अवशेष थे बचे हुए वो एक मिक्सचर के रूप में बने कार्बन के, कार्बन कंपाउंड जो थे उसके मिक्सचर के रूप में बने, जिसको हमने पेट्रोलियम कहा। ठीक है, वेल्स आर डग डीप अंडर द ग्राउंड टू गेट पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को प्राप्त करने के लिए, पेट्रोल लेने के लिए जमीन के नीचे गहरे गहरे कुएं खोदे जाते हैं। पेट्रोलियम इज सब्जेक्टेड टू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टू सेपरेट वेरियस कॉम्पोनेंट्स। पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टू सेपरेट वेरियस कॉम्पोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए किया जाता है। दिस जॉब इज डन इन द पेट्रोलियम रिफाइनरी। और ये जॉब कहाँ की जाती है, पेट्रोलियम रिफाइनरीज में की जाती है। फ्रॉम पेट्रोलियम वी गेट, पेट्रोलियम से हमें क्या क्या मिलता है, पेट्रोल, नफ्था, कैरोसिन, डीजल ऑयल, पैराफिन वैक्स, तार एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें हमें किससे मिलती हैं, पेट्रोलियम से। इन इंडिया पेट्रोलियम इज फाउंड इन डिगबोई। भारत में पेट्रोलियम कहाँ का मिलता है, डिगबोई, अंकलेश्वर, बॉम्बे हाई एंड एलबी चारला। ठीक है, इन जगहों से हमें ये पेट्रोलियम मिलता है। नाउ पेट्रोल इज यूज्ड, क्या प्रयोग है इसका, पेट्रोल का जो यूज होता है वो फ्यूल्स इन कार्स एंड मोटरबाइक्स, मोटरसाइकिल्स। पेट्रोल का यूज हम फ्यूल्स ईंधन के रूप में कार्स और मोटरसाइकिल में यूज करते हैं, एंड ड्राई क्लीनिंग इंडस्ट्री। इसके साथ साथ पेट्रोल का प्रयोग ड्राई क्लीनिंग इंडस्ट्री में भी किया जाता है। कैरोसिन का यूज करते हैं हम एज अ फ्यूल इन जेट इंजन्स, जो जेट इंजन्स होते हैं उनमें फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में। डीजल ऑयल इज यूज इन फ्यूल इन डीजल इंजन्स, और डीजल ऑयल का प्रयोग डीजल इंजन में किया जाता है। पैराफिन फिन वैक्स इज यूज फॉर मेकिंग कैंडल्स, कैंडल्स बनाने के लिए, वाटर प्रूफ कर्टन्स बनाने के लिए, फॉर मेकिंग वुड पॉलिश, साथ साथ वुड पॉलिश लकड़ी की पॉलिश बनाने के लिए पैराफिन वैक्स का प्रयोग किया जाता है। और तार का यूज़ के लिए किया जाता है, फॉर मेकिंग रोड्स एंड प्लास्टिक्स, सड़क निर्माण और प्लास्टिक के निर्माण में तार का प्रयोग किया जाता है। टैल्क इज अ मिनरल, और टैल्क एक मिनरल है जो कि फाउंड इन टेलकम पाउडर, टेलकम पाउडर से मिलता है हमें। इज द सॉफ्टेस्ट मिनरल, और ये सबसे ज़्यादा सॉफ्ट मिनरल है। ओके, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस इज फाउंड इन द सेम रॉक्स एज कोल एंड पेट्रोलियम। नेचुरल गैस जो होती है इज फाउंड इन द सेम रॉक्स, उन्हीं पत्थरों से मिलती है जैसे जिनसे हमें कोल और पेट्रोलियम मिलता है। गैस वॉज ऑल्सो फॉर्म्ड फ्रॉम द हाफ डिकेन्ड रिमेन ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड बैक्टीरिया। गैस भी हमें उनसे उसी प्रकार प्राप्त होती है, हाफ डिकेड एनिमल्स रिमेन से, जो एनिमल्स, प्लांट्स और बैक्टीरिया के हाफ डिकेड रिमेन्स होते हैं, अवशेष होते हैं, उन्हीं से हमें गैस भी प्राप्त होती है। गैस इज ऑफन फाउंड इन स्मॉल अमाउंट, गैस जो है वो स्मॉल अमाउंट में मिलती है, बिकॉज इट कैन ईजिली लीक अवे थ्रू टाइनी स्पेसेस इन रॉक्स। क्यों, क्योंकि अगर रॉक्स में छोटे से छोटे स्पेस भी है ना, तो वहाँ से ये ईजिली लीक हो जाती है। नेचुरल गैस डज नॉट नीड टू बी पम्प्ड आउट ऑफ द ग्राउंड, नेचुरल गैस को ग्राउंड से पंप आउट करने की जरूरत नहीं होती है। इट कम्स आउट अंडर इट्स ओन प्रेशर, यह अपने प्रेशर से बाहर आती है, वंस अ शेफ्ट हैज बीन ड्रिल्ड डाउन टू इट। ठीक है, मैनी ऑयल्स वेल्स प्रोड्यूस नेचुरल गैस एज अ बाय प्रोडक्ट, जो मैनी ऑयल्स होते हैं, ऑयल वेल्स होते हैं, वो भी नेचुरल गैस प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट के रूप में प्रोड्यूस करते हैं। मीथेन जो होती है ना, मीथेन इज द चीफ कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस, वो नेचुरल गैस का मुख्य कंपोनेंट होती है। लिमिटेशंस ऑफ सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी के हमारे सोर्सेस होते हैं उनकी क्या लिमिटेशंस होती हैं। द एनर्जी सोर्सेस विच वर वंस यूज्ड अप एंड दैट कैन नॉट बी फिल्ड अप आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस, वो नेचुरल सोर्सेस जो कि एक बार यूज कर लिए गए और दोबारा से फिल्ड अप नहीं होते हैं, रिप्लेनिश नहीं होते हैं, उन्हें हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जैसे कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ये नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। कोल एंड पेट्रोलियम आर वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, और कोल और पेट्रोलियम जो होता है बहुत ही वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधन होता है। इफ़ वी कीप ऑन यूजिंग डैम एट द रेट वी आर डूइंग टूडे, अगर हम इसको
जैसे कि हम आजकल यूज कर रहे हैं ना, इस तरह से यूज करते रहेंगे, दे विल नॉट सर्वाइव वेरी लॉन्ग, तो ये लंबे समय तक नहीं चलेंगे। दे आर लिमिटेड, ये बहुत लिमिटेड है एंड नॉन रिन्यूएबल, साथ ही इनको हम दोबारा से रिन्यू नहीं कर सकते। सो द यूज ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम शुड बी लिमिटेड, इसलिए कोल और पेट्रोलियम का यूज जो है वो लिमिटेड करना चाहिए। ट्राई टू सेव दैम फॉर फ्यूचर ऑल्सो, इन्हें हमें अपने फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए बचा कर रखना चाहिए। सो इट इज़ नेसेसरी टू सर्च एंड डेवलप रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, इसीलिए ये आवश्यक है कि हम अधिक से अधिक रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को सर्च करें और डेवलप करें। द एनर्जी सोर्सेस विच कैन बी रिप्लेनिश्ड, वो एनर्जी सोर्सेस जिनको हम रिप्लेनिश कर सकते हैं, दोबारा से बना सकते हैं, एंड कैन बी यूज अगेन एंड अगेन, और बार बार हम उनका प्रयोग कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, उन्हें हम रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी कहते हैं। सम रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी, ये जितने भी एनर्जी हैं ये सब रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं, जिनको हम अगेन एंड अगेन यूज में ला सकते हैं और रिन्यू कर सकते हैं। दिस सोर्सेस ऑफ एनर्जी कैन नेवर गेट एग्जॉस्टेड, और ये सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो होते हैं कभी भी नष्ट नहीं होते, खत्म नहीं होते। विंडमिल्स यूज विंड एनर्जी, जो विंडमिल्स होती है आपने देखी है, ये किससे चलती है, हवा से, तो विंड एनर्जी का यूज करती है चलने के लिए। वी कैन यूज विंडमिल्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, जनरेट करने के लिए विंडमिल्स का प्रयोग कर सकते हैं। एंड फॉर लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम वेल्स, विंड एनर्जी इज पॉल्यूशन लेस, और ये जो विंड एनर्जी होती है ना ये पॉल्यूशन लेस होती है, इससे पॉल्यूशन नहीं होता। एंड अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और साथ साथ ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने ये वीडियो दोनों अच्छे से देख ली होंगी, नाउ यू हैव टू रीड द लेसन केयरफुली एंड डू द बुक एक्सरसाइज। नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज। फर्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट, डैश रॉक्स फ्लोट ऑन वाटर, कौन से पत्थर है जो पानी पर तैरते हैं, प्यूमास्टोन, ठीक है। नंबर टू, डैश इज यूज इन मेकिंग पेंसिल्स, पेंसिल्स में किस चीज का यूज किया जाता है, ग्रेफाइट का, ओके। नंबर थ्री, चीफ ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज कॉल्ड बॉक्साइट, एल्यूमिनियम का चीफ ओर क्या है, ओर मीन्स अयस्क होते हैं, अयस्क, ठीक है, बॉक्साइट। नंबर फोर, डैश इज द रॉक दैट बर्न, कौन सा रॉक है जो जलता भी है, कोल। नंबर फाइव, डैश आर द रॉक्स फॉर्म व्हेन लावा कूल्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, इसमें से कौन सा रॉक है बनता है जब लावा अर्थ की सरफेस पर ठंडा होता है, बेसाल्ट, ओके। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, मॉल्टन रॉक इज कॉल्ड लावा, जो हॉट मॉल्टन रॉक होते हैं क्या होते हैं, लावा। नंबर टू, डेंटिस्ट यूज्ड पाउडर, डेंटिस्ट क्या यूज करते हैं, पाउडर, प्यूमास्टोन फॉर पॉलिशिंग टीथ। नंबर थ्री, स्लेट इज अ मेटामॉर्फिक रॉक। नंबर फोर, रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स, रॉक्स किससे बनते हैं, मिनरल से। नंबर फाइव, द साइंटिस्ट हु स्टडीज द अर्थ हिस्ट्री, वो वैज्ञानिक जो अर्थ की हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं क्या कहलाते हैं, जियोलॉजिस्ट। नाउ ट्रू फॉल्स, नंबर वन, टैल्क इज यूज फॉर मेकिंग सीमेंट, क्या टैल्क का यूज सीमेंट के लिए किया जाता है, नो, फॉल्स। धनबाद इज फेमस फॉर स्टील इंडस्ट्री, क्या धनबाद स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है, फॉल्स। नंबर थ्री, मार्बल इज अ सेडिमेंट्री रॉक, क्या मार्बल एक सेडिमेंट्री रॉक है, फॉल्स। नंबर फोर, टाइडल एनर्जी इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, क्या टाइडल एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल सोर्स है, ट्रू। नंबर फाइव, मीथेन इज द चीफ कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस, क्या मीथेन जो है वो नेचुरल गैस का चीफ कंपोनेंट है, ट्रू। नाउ गिव वन वर्ड आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपने वन वर्ड आंसर देने, अ मिनरल फ्रॉम विच अ मेटल इज एक्सट्रैक्टेड एट अ प्रॉफिट, वो मिनरल जिससे मेटल निकलती है, और नंबर टू, एनर्जी सोर्स विच वर वंस यूज, वो एनर्जी सोर्सेज जिन्हें एक बार यूज किया कर लिया जाए, एंड दैट कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड, और उनको रिप्लेनिश नहीं कर सकते, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस। नंबर थ्री,
आर नेम कलेक्टिवली गिवन टू ग्रेनाइट, प्यूमाइस एंड बेसाल्ट. ये कौन से रॉक्स है? इग्नियस रॉक्स. नंबर फोर, द चीफ कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस. नेचुरल गैस का चीफ कंपोनेंट मीथेन. नंबर फाइव, आपने वन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बतानी है, सोलर एनर्जी. नंबर सिक्स, द माउथ ऑफ वॉल्केनो. वॉल्केनो का माउथ जहां से लावा बाहर निकलता है क्या कहलाता है? वेंट. ओके, नाउ रीड द लेसन वेरी केयरफुली एंड फिल द बुक एक्सरसाइज इन योर बुक्स. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर.